एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने HTML, CSS, JavaScript के कोर्स में अपन ने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। आज अपन एक नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, अलग से नेविगेशन बार बनाएंगे। इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से अपन चीज़ों को बना सकते हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टी का अपन यूज करने वाले हैं जो सारी प्रॉपर्टी का अपन ने यहाँ ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक टेम्पलेट यहाँ पर लगा दी है, और बेसिक टेम्पलेट लगाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग ले लेते हैं, और बॉडी के अंदर क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ हेडर टैग, हेडर टैग के अंदर एक नेप टैग, नेप टैग के अंदर यूएल टैग, यूएल टैग के अंदर एलआई टैग, वो भी दो तीन क्यों चार ले लो। तो यहाँ पे ले लो एक होम, और एक यहाँ पे ले लो अबाउट का सेक्शन। एक काम करता हूँ मैं, इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से इसको हटा देता हूँ, एलआई इनटू 4 और इस तरीके से करूँगा तो अपना ए टैग भी आ जाएगा। ए टैग के अंदर क्यों लगाया अपन ने, ए टैग अपन ने बेसिकली सिर्फ इस पर्पज से लगाया है कि जिससे जो है कि अपन एक सेकेंड इसको लिख दूं, ठीक है। इसको अपन ने क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि आपको मालूम है किसी पर्टिकुलर URL पे अगर आपको भेजना है तो अपन क्या करते हैं, HTML के अंदर एंकर टैग का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा अपन इस वजह से अपन ने इसको यूज किया है। तो इसके एक होम का सेक्शन, और एक अपन बनाना चाहते हैं अबाउट का, और इसी तरीके से अपन एक बनाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट का, और इसी तरीके से एक और बनाना चाहते हैं लेट से पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इसको गुलाब करना पड़ेगा, तो मैं इसको गुलाब के ऊपर क्लिक करूँगा, और गुलाब आने पे कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। अभी कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको स्टाइल करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे इस नेप टैग को, अपन टारगेट करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो अपना नेप टैग है उस नेप टैग पे आप क्या करो, जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को अभी फ़िलहाल के लिए ब्लैक करवा देते हैं, ब्लैक। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैक करवा दूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया अब, लेकिन ये वाला जो है जितने भी LI हैं इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको अपन को क्या बोल सकते हैं, फ्लैक्स में देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे नेप के अंदर नीचे कर लेते हैं, नेप के अंदर जो UL है और UL के अंदर दे देंगे कि फ्लैक्स तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे फ्लोट का अपन दे सकते हैं, फ्लोट राइट दे देते हैं अब। लेकिन फ्लोट राइट देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोट राइट देने से यहाँ पर अगर देखो बैकग्राउंड अपना जा चुका है, ये तो अपने सही जगह पर आ गए हैं लेकिन अपना जो वो है वो पूरी तरीके से अपने जा चुके हैं। तो उसको अपन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे इसी के अंदर दे देंगे ओवरफ्लो ऑटो। इससे क्या हो जाएगा, जिससे अपना जो बैक, इसको नहीं देना था, इसको यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे इसको दे देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अपनी बैकग्राउंड कलर अपना वापस आ गया, लेकिन अभी भी आपने यहाँ पर देखो तो यहाँ पे सही तरीके से लिखे नहीं हैं, जिस तरीके से अपन यहाँ पे चाहते थे बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे लिखे नहीं हैं। तो ऐसा किस तरीके से होगा कि ये अपने बिल्कुल एक अलाइन लाइन आइटम में आ जाए, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को यहाँ पे इसकी जो LI है इसके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सही तरीके से एक लाइन में आएंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेप के अंदर जो UL है उसके अंदर अपन को इस वाली प्रॉपर्टी को उठा के पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरीके से। CSS लगाना ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन बस बात ये होती है कि इसमें आप कितना थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो, आप अपने जो हिट एंड ट्रायल है इसके अंदर कितना तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि CSS आप एक बार में नहीं लगा सकते। जैसे बैकएंड या किसी लॉजिकल जो कोड होते हैं उनको आपने एक बार पढ़ा, समझा, उसको अप्लाई किया, आपने सीख लिया, CSS इस तरीके से होती ही नहीं है। CSS समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को वैरायटी ऑफ चीज़ों में लगाना पड़ता है कि आपने बोला ये लगा के चेक कर लेता हूँ, ये नहीं हो रहा तो इसमें ये लगा के चेक कर लेता हूँ, ये भी नहीं हो रहा तो इसमें इसको लगा के चेक कर लेता हूँ। तो जब अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ आप खेलने की कोशिश करते हैं तब जाके आप क्या करते हैं, सही तरीके से अपनी जो CSS है उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटा हो गया, लेकिन मुझे अगर इसको बड़ा करना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मुझे पैडिंग लगानी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे पैडिंग लगा दूँगा। पैडिंग मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ 5 पिक्सल। अब मैंने पैडिंग दे दी इसके अंदर, अब देखना यहाँ पर क्या होगा, पैडिंग दे दी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, देख रहे हो आप, यहाँ पर एक मतलब कुछ भी चेंजेस भी नहीं आया है। अब इसी चीज़ को मैं अगर इसको
पैडिंग तो पहले आपने सही नहीं दी है, पैडिंग अभी सही दी है, तो अभी इसको 5 पिक्सल से काम नहीं चलेगा, इसको 15 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी देखो सही तरीके से अप्लाई हो गया। और सच बताऊँ ना, मुझे इसमें कोई, अभी मैंने आपको बताते बताते लगा जरूर दी है पैडिंग, लेकिन मुझे इसमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये पैडिंग यहाँ पे लगाने से इस तरीके से आउटपुट देगी। मैं समझ रहा था कि LI के अंदर लगाऊंगा तभी ये आउटपुट अपना प्रॉपर तरीके से देगी। कभी ये मत समझना कि तुमको मतलब सब कुछ आता है CSS के अंदर, कभी भी तुम्हें झटका कर सकता है किसी भी तरीके से। तो अपने आपको बस मेंटेन करना CSS में, सबसे बड़ा जो अपना फैक्टर होता है ना किसी भी वेब डेवलपर के अंदर, कि आप अपने जो CSS है उसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन को इस तरीके से करना ही चाहिए। अब यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अब इसके अंदर क्या है, सबके अंदर यहाँ पे जो अंडरलाइन लगी हुई है इसको अपन को हटाना है। तो अंडरलाइन के लिए अपन क्या करेंगे, अंडरलाइन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो नेब है उसके अंदर जो UL है उसके अंदर LI है, LI के अंदर A टैग है, यहाँ पे अपन बोल देंगे कि आपका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको आप नन कर दीजिए। तो अभी देखते हैं, प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत याद है मुझे। और देखो कभी ये मत समझना, मैं मेरी ये गाइडेंस टाइप की वीडियो होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सीधा बताना चाहता हूँ क्योंकि ये HTML CSS का कोर्स है। तो कभी ये गलत फहमी में मत रहना कि एक बार के अंदर आप पूरी CSS को अप्लाई कर लोगे, क्योंकि अब जैसे मैं अगर दूसरी वीडियो जब लेके आऊँगा, जैसे पूरी कंप्लीट वेबसाइट लेके आऊँगा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेके आऊँगा, लैंडिंग पेज लेके आऊँगा, रिज्यूम अलग अलग वाले लेके आऊँगा, तो जब वो सारी अगर वीडियो आएंगी तो उसके अंदर मैं सिंगल टेक के अंदर पूरा CSS लगा के दिखा दूंगा। तो ये मत समझना कि मैंने वो CSS मतलब वो वाला कोड मैंने एक ही बार में लिख लिया और एक ही बार में कर दिया है। मुझे भी थोड़ा बहुत समय लगता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, उसके बाद वो अप्लाई होता है। जस्ट बिकॉज कि पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई को तो यार सबको जाता है, सागर भाई तो मतलब क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ भी, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 4 पिक्सल, और यहाँ पे अपन मार्जिन 4 पिक्सल देने से इस तरीके से हो गया। लेकिन इसका कलर थोड़ा सा सही करते हैं ना, इसका कलर ब्लैक ब्लू की जगह इसको वाइट कर देते हैं। ब्लू कलर तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है क्योंकि ये A टैग के अंदर रहता है। अब अपन ने इसको वाइट कर दिया, इसका थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट बढ़ाना चाहता हूँ, इसका फॉन्ट वेट समथिंग मैं इसका 700 कर देता हूँ। 700 करने पे कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। फॉन्ट फैमिली भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं अभी, तो आप फॉन्ट फैमिली भी इसकी कुछ चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है लुसीडा या ऐसा कुछ चाहिए आपको, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा तो नेबर बना लिया, बस इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन को उसको बॉर्डर रेडियस देते हैं जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो बॉर्डर रेडियस कहाँ पे, इस जगह पे देंगे, इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे 12 पिक्सल, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देने से कुछ इस प्रकार से अपन को दिखाई देने लगा। ठीक है, सही दिख रहा है। और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं एक सर्च बॉक्स और लेना चाहता हूँ। अब सर्च बॉक्स का मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे मुझे अभी सर्च बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे जैसे W3 School फॉर्म एलिमेंट लिखूँगा, और इंटरनेट अभी मेरा यहाँ से डिसकनेक्टेड है, तो अभी इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअल में मैंने ध्यान नहीं दिया कि इंटरनेट डिसकनेक्ट कब हो गया, लाइट चली गई थी बीच में तो मालूम ही नहीं पड़ा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए समय देते हैं, 1 मिनट लेगा ये, अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। और रीलोड हो रहा है, अभी थोड़ा सा समय ले रहा है। ठीक है, आ गया। यहाँ पे जो डेटा लिस्ट होगा उसको अपन चेक करना चाहते हैं। डेटा लिस्ट मुझे केवल उनके नाम याद रहते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, कभी भी मैं रट्टू तोता की तरह यहाँ पर रटता नहीं हूँ कि इसमें इस तरीके से अपन को अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर कोई एक इनपुट टैग उठा लिया इस तरीके से, जो अपना LI है इसके अंदर आए, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और मैं इसको दे दूंगा टाइप, इसका जो एट्रीब्यूट है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से, क्या दे दूंगा इसको, मैं दे दूंगा सर्च। तो अभी आप देखना क्या होगा इसको लगाने से। यहाँ पे अपन आएंगे, यहाँ पे देखो एक इनपुट बॉक्स आ गया, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट अपन को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको बाय डिफ़ॉल्ट, ये ज़रूरी थोड़ी कि अपन इतने ही देंगे, इसको अगर मैं मल्टीपल टाइम कॉपी कर दूँ तो आप जितने ऑप्शन यहाँ पे देना चाहते हैं, देखो यहाँ पे इतने जितने ऑप्शन आप देना चाहते हैं उतने ऑप्शन, और जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। उसको हटाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक किया हट भी गया, तो कितनी आसानी से अपन ने यहाँ पे सर्च बॉक्स बना लिया। इसको अपन, मैं नॉर्मली ये चीज़ आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो मर्नस्टैक वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर हो सकता है मैं इसका यूज करूँ, और इसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी अपन
डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी अपन डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ये होता है स्टैटिक तरीका। अपन को क्या करना पड़ेगा, उस मरन स्टैक वाले प्रोजेक्ट के अंदर डायनेमिक तरीके से अपन उसको अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, अभी इसको समझ लिया। अब इस इनपुट बॉक्स को थोड़ा सा मैं स्टाइल करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे इस इनपुट को अपन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं नैप। नैप के अंदर जो इनपुट है उसको आप स्टाइल कीजिए किस तरीके से। सबसे पहले तो इसकी विड्थ बढ़ा दीजिए, 200 पिक्सल दे देता हूँ। तो जैसे ही इसकी तो यहाँ पे जो को जितना बड़ा हो जाएगा, और भाई ज़रूरी भी रहता है थोड़ा, अगर इनपुट बॉक्स अगर इस तरीके से बना रहे हैं एक नैप बार के अंदर, तो थोड़ा सा बड़ा ही रहना चाहिए, और इसके अंदर हमेशा बॉर्डर रेडियस होनी चाहिए थोड़ी सी। तो मैं इस वीडियो का जो मेन मकसद है ना, इस वीडियो का वो ये है कि ये मत समझना कि सब कुछ हर किसी को सब कुछ आता है। देखो सीधी बात यह है कि अपन हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं, और एक तरीके से जितनी प्रॉपर्टी अपन को आती है उस प्रॉपर्टी के बेस पर अपन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को अपन डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन अपन ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन ने वो वाली प्रॉपर्टी अभी तक पड़ी नहीं है। तो समझ की बात होती है कि जब इंसान समझ जाता है, चीज़ों को समझने लगता है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि अपन अपनों को जितना आता है, जितना मुझे आता है, इसके बेस पे काम करना है। अब जैसे मुझे मालूम था कि W3 स्कूल पे डेटा लिस्ट नाम का एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये मुझे मालूम ही नहीं होता तो फिर मैं किस तरीके से कर लेता। तो ज़रूरी ये है वेब डेवलपमेंट के अंदर कि आपको मालूम होनी चाहिए कि ये वाली चीज़ एग्जिस्ट करती है, बाकी आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी रिसर्च करके आप नकार ही लोगे। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे अगर बॉक्स शेडो कुछ देनी है तो आप बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं। बॉक्स शेडो इंसेट, एक सेकंड में यहाँ पे बॉक्स शेडो के लिए भी यहाँ पे क्या करूँगा, इसका सर्च बॉक्स का यूज करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बॉक्स शेडो। अगर मैं इंटर मारूँ तो यहाँ पे बॉक्स शेडो आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको किसको उठाता हूँ मैं, इस वाले को उठा लेता हूँ, इस वाले को उठा लेता हूँ। क्यों, क्या बॉक्स शेडो थोड़े अजीब तरीके से उसको दिया जाता है, मतलब नॉर्मल तरीके से दिया नहीं जाता, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर मैं अभी आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखाऊं तो आप देखो इस तरीके से अपनी बॉक्स शेडो है। तो अपन इसको कम करते हैं, इसको मैं 2 पिक्सल, इसको भी, इसको 1 पिक्सल, इसको 3 पिक्सल। तो अभी कुछ इस तरीके से अपना दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इतना भी नहीं करना अपन को, इसको कम करके 5 पिक्सल थोड़ा सा, इसको 9 पिक्सल कर देते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको 2 ही रहने देते हैं। इसको अच्छा स्प्रेड रेडियस ये वाली है ना, तो इसको कम कर देते हैं। तो अभी कुछ अपना जो है बॉर्डर बॉक्स शेडो को जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, अभी मैंने ये नहीं है बॉक्स शेडो किस तरीके से काम करता है, अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके फॉर्म में ये करता है। सबसे पहला नन, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ब्लर, स्प्रेड, कलर, बहुत सारी यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप एक एक करके जैसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी थोड़ा अपना अलग ही प्रकार से अपन को दिखाई दे रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको भी मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। डॉट 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 हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल, इसको मैं कर दूँगा नन। ये सारी प्रॉपर्टी होती है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज करनी है कहाँ पर। अभी देखो कितना अच्छा खिल के आ रहा है। तो जब आप इसके ऊपर टेन ट्रायल खेलते हैं CSS के ऊपर, तब आपको समझ में आता है कि हाँ कि मेरा जो बॉक्स है वो किस तरीके से दिखाई देना चाहिए, सर्च बॉक्स कैसा दिखना चाहिए, नैप बार के अंदर जो मैं लगा रहा हूँ वो सारी चीज़ें किस तरीके से दिखाई देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस और लगातार रिटर्न ट्रायल के साथ ही आता है। तो इस नैप बार को अभी आपने देख लिया कितने अच्छे से बन गया, रिस्पॉन्सिव नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी अभी तक मुझे पड़ी थी उतनी प्रॉपर्टी बताना था। और एक चीज़ को मुझे क्लियर करना था कि कभी भी ये मत समझना कि मुझे CSS नहीं आती, क्योंकि मुझे मालूम है इतना सीखने के बाद भी जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, बहुत से लोगों से अप्लाई हुआ होगा, बहुत से लोगों से नहीं हुआ होगा, तो उनके मन में ऐसा संदेह आने लगता है कि मुझे CSS नहीं आती यार। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी CSS नहीं आती। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूँ, हर बंदा कोशिश कर रहा है CSS करने की, उसको एटेंट ट्रायल के साथ उसे सही तरीके से आती है। अभी जैसे बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी अपन ने इसको दी है ना, तो बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी अपन किसी को भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के साथ आती हैं कि किस तरीके से अपन को इसको अप्लाई करना है। अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर भी दे दूँ
और यहाँ पे देने से क्या होगा, इस जगह पर भी अपनी बॉक्स शेडो आ जाएगी, तो अपना जो नेब बार है वो अभी और बेटर लगने लगा है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको चेंजेस करते जाते हैं लगातार। अब मुझे अगर कुछ और कलर चाहिए होगा इसका, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जाऊँगा और यहाँ से इसको चूज़ कर लूँगा। और जो देखो अपना इस तरीके से अपन उसको दिखाने लगे, और अपन चाहते हैं कि और बेटर अपन तरीके से दिखाएँ, तो वो भी अपन कर सकते हैं। इसको मैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से ला के इसको वाइट की तरफ लेके आ जाऊँगा, और जो अपना इसका जो कलर वाइट है इसको मैं ले जाके यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल की तरह लेके चला जाऊँगा। तो अभी आप देखो कुछ इस तरीके से अपना दिखाई देने लगा। मतलब डिजाइन तो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, अभी ऐसा नेब बार आपने बहुत ही कम देखा होगा, तो आप अपनी तरफ से डिजाइन बनाओ, बढ़िया मस्त डिजाइन बनाओ। एक बार आपने डिजाइन का जो लेआउट होता है, जैसे यहाँ पे नेब बार का जो बेसिक लेआउट है वो अपन ने यहाँ पर सेट कर लिया, अब इसके अंदर कलर चेंज करके देखो, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखो, मार्जिन चेंज करके देखो, पैडिंग चेंज करके देखो, तब जाके आपकी एक जो रियल क्रिएटिविटी होती है ना CSS डिजाइनर की, वो निकल के आएगी। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।